माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट न्यू मुस्लिम सेमिनार, बट बिफोर वी बिगिन आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट दैट यू काइंडली टर्न ऑल योर मोबाइल फोन्स ऑफ और पुट देम ऑन द साइलेंट मोड। जज़ाकअल्लाह खैर। बाकी हज़रात प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। वी वुड लाइक टू बिगिन टुडेज़ प्रोग्राम विद अ रेसिटेशन फ्रॉम द होली कुरान, and I would like to request a new Muslim brother Harun Rashid, who after embracing Islam went on to learn the deen to the extent that now mashallah he is a muallim in a madrasa and teaches the Quran in the hifz section. Brother Harun Rashid, please tashreef laiye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahilladhi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم قالوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और इसमें कोई कजी नहीं रखी, नहाय सीधी बग़ैर अफरा तफरीद के, ताकि वो इस अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब से डराए और मोमिनों को बिशारत दे जो नेक अमल करते हैं, और बेशक उनके लिए अच्छा अजर यानी जन्नत है, उसमें वो हमेशा रहने वाले होंगे। और उन लोगों को भी डराएं जो कहते हैं कि अल्लाह ने इसी को बेटा बना दिया है, उनको और ना ही उनके बाप दादा को इस बात का कुछ इलम है। ये बड़ी सख्त बात है जो इनके मुंह से निकलती है। कुछ शक नहीं कि ये जो कुछ कहते हैं महज झूठ है। फिर शायद तू खुद को उनके पीछे गम से हलाक करने वाला है अगर ये काफिर इस बात कुरान पर ईमान ना लाएं। जो कुछ ज़मीन पर है हमने इसको ज़मीन के लिए जीनत बनाया है ताकि लोगों को आजमाइश करें कि इनमें से कौन अच्छे अमल करने वाला है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है हम इसको नाबूद करके चट्टियल मैदान बना देने वाले हैं।
क्या आपने ख्याल किया है कि गार और कुतबे वाले हमारी निशानियों में से एक अजीब निशानी थे? जब इन नौजवानों ने गार की तरफ पना ली तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे मामले में हमारी सही रहनुमाई फरमा। तो हमने गार में कई साल तक इनके कानों पर नींद का पर्दा डाले 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 यानी इनको सुलाए सुलाए रखा। फिर हमने इन्हें उठाया ताकि हम मालूम करें कि दो ग्रोह में से कौन इस मुद्दत को ज़्यादा याद रखने वाला है जो उन्होंने गुजारी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर हारून रशीद भाई, अल्लाह ताला आपके इल्म में और ईमान में इजाफ़ा करे, आमीन। नात के लिए गुजारिश करूँगा एक हमारे बहुत ही शबाब यंग ब्रदर हाफिज़ अब्दुल आला साहब को कि वो अपनी तशरीफ़ लाएँ। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रसूले खुदा की मोहब्बत का जज्बा हमारे दिलों में अगर जिंदा होगा, रसूले खुदा की मोहब्बत का जज्बा हमारे दिलों में अगर जिंदा होगा तो फिर जिंदगी का हर आइंदा लम्हा दरख्शिंदता बिंदा पाइंदा होगा, रसूले खुदा की वो अखलाको इंसानियत के पयंबर, वो इंसान के सबसे हमदर्द रहबर, वो अखलाको इंसानियत के पयंबर, वो इंसान के सबसे हमदर्द रहबर, कोई उनका हम पाया माजी में गुजरा न इस दौर में है न आइंदा होगा, रसूले खुदा की हुजूरे गिरामी के रूए पुरनवार को चांद से भी न तश्बीह दो तुम, हुजूरे गिरामी के रूए पुरनवार को चांद से भी न तश्बीह दो तुम, मैं ये बात इस वास्ते कह रहा हूँ के इस तरह से चांद शर्मिंदा होगा, रसूले खुदा की अरब तुर्किया मिस्र ईरान उर्दन मराकिश यमन शाम हिन अलजज़ाइर, अरब तुर्किया मिस्र ईरान उर्दन मराकिश यमन शाम हिन अलजज़ाइर,
जो उस राह बरे हक की अजमत का मुनकिर हो, क्या कोई ऐसा भी बाशिंदा होगा रसूले खुदा की। वो जिनके सहाबा है बामे फलक के, सितारों के मानिंद ज़ोबार बज़्मी। वो जिनके सहाबा है बामे फलक के, सितारों के मानिंद ज़ोबार बज़्मी। ज़रा गौर कीजिए के खुद उनकी अज़मत का मेयार कितना दरख़्शिंदा होगा रसूले खुदा की। मोहब्बत का जज्बा हमारे दिलों में अगर जिंदा होगा तो फिर जिंदगी का हर आइंदा लम्हा दरख़्शिंदा बिंदा पाइंदा होगा रसूले खुदा की। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खूबसूरत नात। आज के न्यू मुस्लिम सेमिनार के स्टेज सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी संभालने के लिए मैं दरख्वास्त दूंगा हुकूकुन नास के जनरल सेक्रेटरी, जो हुकूकुन नास के सबसे एक्टिव मेंबर भी हैं, उनके और उनके काम के बारे में कुछ एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। आज से दो दिन पहले सेमिनार के सिलसिले में मैं उनको फ़ोन कर रहा था कि अब्दुल वारिस फ़लाँ फ़लाँ जगह मैंने जाना है तो मुझे ज़रा गाइड कीजिए। फ़ोन किया सलाम दुआ के फ़ौरन बाद जो मुझसे उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा आमिर भाई बहुत मुबारक हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल वारिस, खैर है क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, अभी अभी माशाल्लाह एक मियाँ बीवी ने अपने चार बच्चों के साथ कलमा पढ़ लिया है और वो मुसलमान हो गए हैं। ये सुनने के बाद मेरे तो जो जज्बात थे अल्लाह का नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। और अब्दुल वारिस ने अगली बात जो कही वो ये थी कि आमिर भाई इनसे मेरी आज सिर्फ दूसरी मुलाकात थी। तो अल्लाह ताला ने अब्दुल वारिस को ऐसा दिल दिया है कि वो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का पैगाम लोगों के दिलों में बआसानी पहुँचा देते हैं। बाकी सारी बातों के लिए अब्दुल वारिस को मैं दावत दूँगा कि इंशाल्लाह आएँ और संभालें फ्री स्टेज को। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जज़ाकुमुल्लाह हसन आमिर भाई। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन युरीदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, सदकल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, में अब्दुल वारिस आपको अपनी और अपनी तमाम हुकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन की टीम की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाज़रीन, बाज़ुकात इंसान का माजी उसके हाल के साथ इस तरह नथी हो जाता है कि जब तक वो अपना माजी बयान ना करे उसका हाल समझ नहीं आता। लिहाजा मेरा मामला भी कुछ यूं ही है कि जब तक अपना माजी बयान ना करूँ लोग मेरे हाल की पोजिशन को समझने से कासिर रहते हैं। लिहाजा किस्सा माजी कुछ यूं है कि एक बार बैठा अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में सोच रहा था और ये एहसास पैदा हुआ कि कमो बेश कम या ज़्यादा मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ माँ सिवाय अपनी ज़ात के। अपनी ज़ात को जानने के हवाले से इस सवाल ने मुझे मेरे मजहबी रहनुमाओं तक पहुँचा दिया और मेरे मजहबी रहनुमाओं से ये पूछने पर कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, लौटकर मुझे कहाँ जाना है,
तो उसका जवाब ये था कि मुझे मसीह के लिए पैदा किया गया है, मुझे मसीह का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना है, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है। और इसके लिए शर्त अव्वल जो है वो एक अच्छा ईसाई बनना है। और एक अच्छा ईसाई बनने का सफ़र जब मैंने शुरू किया तो 3 साल का तवील मुताले करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ईसाइत मज़हब नहीं है मगर अफरात व तफरीत की अक्सर व बेशतर तालीम है। 3 साल के तवील मुताले के बाद मैं इन चीज़ों को समझने से कासिर था कि लफ्ज़ कुन से पैदा होने वाली ज़ात मसीह अलैहिस्सलाम की किस तरह इब्नुल्लाह बन सकती है, तसलीस फ़ियल तौहीद और तौहीद फ़ियल तसलीस किस तरह मुमकिन है। मैं ये बात समझने से कासिर था कि आदम अलैहिस्सलाम से होने वाली लगजिश की सज़ा मसीह अलैहिस्सलाम को क्यों कर दी गई। ये वो तमाम सवालात हैं कि जिन्होंने मुझे ईसाइत से ना सिर्फ एक अच्छा ईसाई बनने से रोका बल्कि मुझे ईसाइत से ही बेजार कर दिया। और दीगर मज़ाहब के साथ मैंने इस्लाम का मुताला करने का फ़ैसला किया। इस्लाम का मुताला करने के लिए मुझे पहली बार जब मस्जिद जाना हुआ तो मुसलमानों ने मेरे मस्जिद में दाखिले पर नागवारी का इजहार किया। कुरान को पढ़ना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम कुरान को पढ़ना तो दूर उसे हाथ नहीं लगा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना चाहा, जब एक मारूफ़ दुकान पर सीरत की किताब ख़रीदने के लिए गया और उन्होंने किताब के ऊपर जब बिल रखा तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं उस किताब को ख़रीद सकता। और कुछ अरसे बाद जब उस किताब के उतने पैसे मैं लेकर गया तो मेरे पास इतने जो है पैसे थे कि जितने की किताब थी, लेकिन इत्तेफाक से उस किताब का रेट बढ़ चुका था। लिहाजा डरते डरते चोरी कुरान पढ़ा, सीरत की किताब उधार लेके पढ़ी और इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्लाह सुबहाना व ताला तक पहुंचने का वाहिद रास्ता एक है जो सिरात मुस्तकीम है और वो इस्लाम है। और अल्लाह सुबहाना व ताला की तौफीक से इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद एक अच्छा ईसाई बनना चाहता था। एक अच्छा ईसाई बनने के लिए इस्लामी तालीमात ज़रूरी थी। इस्लामी तालीमात हासिल करने के लिए जब मुआशरे की तरफ देखा तो हमारे पास एनिमल प्रोटेक्शन सेंटर तो मौजूद थे लेकिन कोई भी एक न्यू मुस्लिम एजुकेशन या प्रोटेक्शन सेंटर मौजूद नहीं था। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह को इस मौके पर याद करना और उनके लिए दुआ करना, मैं समझता हूँ कि ये उनका हक भी है और वो इस लायक भी थे कि उनको हम अपनी दुआओं में याद रखें। उन्होंने अपने दस्ते शफकत के साए तले मुझे पढ़ने का मौका दिया और उस दौरान तालीम हमने ये फ़ैसला किया कि एक ऐसा इदारा ज़रूर होना चाहिए जो नॉन मुस्लिमीन की तालीम और तरबियत और उनके माशी व माशरती मसाइल के हवाले से कायम किया जाए। अरबाब इल्म व दानिश के पास जाकर दुहाई दी और अल्लाह सुबहाना व ताला ने चंद दर्द दिल रखने वाले साथियों को उनके दिल में यह एहसास पैदा किया और वो हमारे दस्तोबाजू बने। और आप आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के न्यू मुस्लिम सेमिनार में मौजूद हैं, ये इदारा कायम करने में हम 2009 रमज़ान के आखिरी अशरे में कामयाब हुए, जिसको आप हकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। मैं आप हजरात के सामने हकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन के मुख्तलिफ शोबा जात हैं, मसलन सीरत सेक्शन है, कंपैरेटिव तकाबले अदान सेक्शन है और उसके बाद इस्लामिक सेंटर फॉर न्यू मुस्लिम के जो नॉन मुस्लिम के हवाले से स्पेशली जो है काम करता है, वो काम क्या और कैसे करता है, इसके लिए मैं आप हजरात के सामने जो है वो दावत दे रहा हूँ हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेम्बर डॉक्टर खावर शीद खावर ज़िया साहब। खावर ज़िया साहब जो है वो कुरान फाउंडेशन के ना सिर्फ चेयरमैन हैं बल्कि बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के डीन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और हमारे जो है वो मौजूद मेहमानों को बताएं कि हकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन क्या और कैसे काम कर रही है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम अरकान मजलिस मुंतजमा हकूकुन नास फाउंडेशन, मुअज्ज़ज़ हाज़िरीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज़ादी फ़िक्र और इंतखाब मज़हब इंसान का वो हक है जिसे हक ताला शानहू ने ख़ुद वदियत किया है, जैसे कि सूरह दहर की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना हदैनाहू सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। बिलाशुबा हमने इंसान को हदायत दी रास्ते की, ख्वाब वो शुक्रगुजार बने या ना शुक्र।
लेकिन यह ताला शानों की रहमत और इसका सरासर फजल एहसान है कि उसने इस आज़ादी के साथ ही अपने रसूलों के ज़रिए और अपनी किताबों के ज़रिए हक़ व सदाकत का रास्ता वाज़ह फरमा दिया। जैसे कि सूरह दहर ही की आयत 29 में फरमाया, इन्ना हाज़िही तज़किरा फमन शा तख़ज़ा इला रब्बिही सबीला। सदकल्लाहुल अज़ीम। बिलाशुबा ये एक नसीहत है, लिहाजा जो चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले। इस पस मंज़र में हकूक़ उन्नास फाउंडेशन के क़याम का मकसद उन लोगों के हकूक़ की हिफाजत करना और इनकी मदद करना है जो दूसरे मज़हब से दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं या हो चुके हैं। पाकिस्तान के हवाले से, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत का मज़हब इस्लाम है, किसी फ़र्द को जो अक़लियती मज़हब से अक्सरियती मज़हब में दाखिल हो रहा हो, बज़ाहिर कोई दुश्वारी पेश नहीं आनी चाहिए और अक्सरियत में शामिल होकर इसके हकूक़ का अज़ ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होना चाहिए। लेकिन बसत अफसोस ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में नौ मुस्लिमीन गुनागुन मसाइल और मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, जिनमें कबूल इस्लाम के बाद ईज़ा रसानी, घर से बेघर हो जाना, बीवी बच्चों का छिन जाना, बेरोज़गारी, कानूनी मसाइल, दीनी तालीम और तरबियत का फुकदान और माशरती मसाइल यानी शादी ब्याह के मसाइल शामिल हैं। हकूक़ उन्नास फाउंडेशन की कोशिश है कि जो अफराद बरज़ा और रग़बत हल्का बेगोश इस्लाम हो रहे हैं, इनके फर्दन मसाइल का इदराक किया जाए और इन मसाइल के अजाले के लिए हत्तुल मकदूर इंतज़ाम किया जाए। इस मकसद के लिए हकूक़ उन्नास फाउंडेशन की मजलिस मुंतज़मा में नौ मुस्लिमीन के मसाइल पे गौर करने के लिए महाना इजलास में मशावरत की जाती है और इनके हल के लिए तजावीज़ को अमली जामा पहनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मजलिस मुंतज़मा की मशावरत के नतीजे में मुंदरजा ज़ैल प्रोग्रामों पर अमल हो रहा है। नंबर एक, जिन अफराद ने बरज़ा और रग़बत इस्लाम कबूल कर लिया है, इनसे राब्ता और इनका तआरुफ़। नंबर दो, हर नौ मुस्लिम के इनफरादी मसाइल का इदराक। तीन, नौ मुस्लिमीन की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम। नंबर चार, नौ मुस्लिमीन के माशरती मसाइल यानी शादी ब्याह वगैरह का इदराक और इनके हल में मदद करना। नंबर पाँच, नौ मुस्लिमीन को कानूनी मदद फराहम करना और इस्लाम कबूल करने के बाद मुख्तलिफ कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करने में उनकी मदद करना। नंबर छः, नौ मुस्लिमीन को रोज़गार हासिल करने में मदद देना। नंबर सात, वो नौ मुस्लिम जो इस्लाम कबूल करने के सबब बेघर हो गए हैं, इनकी आर्जी रहाइश का इंतज़ाम करना। नंबर आठ, नौ मुस्लिमीन के इलाज मालजे में मामद करना। नंबर नौ, नौ मुस्लिमीन के लिए वज़ायफ का इजरा। और दसवां, नौ मुस्लिमीन की तालीफ़ कल्ब के लिए इन से मुख्तलिफ ज़राए से तआवुन और मदद करना। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हकूक़ उन्नास फाउंडेशन ने मज़कूरा बाला प्रोग्रामों पर अब तक तकरीबन 80 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। सबसे पहले कबूल इस्लाम के सिलसिले में हकूक़ उन्नास के ज़ेर तमाम अब तक 85 ख्वातीन हज़रात इस्लाम कबूल कर चुके हैं माशाअल्लाह ताला। तालीम और तरबियत वज़ाइफ़। हकूक़ उन्नास फाउंडेशन के ज़ेर तमाम दीनी तालीम हासिल करने वाले ख्वातीन और हज़रात की तादाद 70 है, जिनमें अक्सर मुकामी मस्जिद और मदरसे में ज़ेर तालीम है। तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालबात को वजीफ़ा की मद में तकरीबन 13,22,000 रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है। ताउन बराए असरी तालीम। कुछ नौ मुस्लिम तलबा और तालबात जो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करने में भी दिलचस्पी का इजहार करते हैं, उनकी हर मुमकिन मदद की जाती है।
इस मद में अब तक तकरीबन 2,04,000 रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है इस मद में अब तक तकरीबन 2,04,000 की रकम खर्च की जा चुकी है और 95 अफराद ने इस्तफादा किया है। 9 मुस्लिम बहन भाई जिनकी वक्ती तौर पर जिनको परेशानी का सामना होता है उनके लिए तकरीबन 10,24,000 रुपए की रकम एज फौरी मदद फर्स्ट एड के तौर पर इनको दी जा चुकी है। निकाह बराए 9 मुस्लिमीन, इस सिलसिले में 26 नौ मुस्लिम लड़के लड़कियों के निकाह की सुन्नत अदा की गई है माशाल्लाह ताला। कानूनी मदद, कबूल इस्लाम के बाद नौ मुस्लिमीन तशद्दुद के मुख्तलिफ केसेस और कानूनी कागजात वगैरह की तकमील के लिए वकला की खिदमात उनके लिए हासिल की जाती हैं। इस मद में अब तक तकरीबन 95,000 रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है। मदद बराए रोज़गार, रोज़गार की मद में नौ मुस्लिम बहन भाइयों को छोटे मोटे कारोबार के लिए खसूसी ताउन किया गया जिसकी मद में तकरीबन 5,27,000 रुपये खर्च हुए हैं। इलाज मुआलजा, नौ मुस्लिम तलबा तलबात और नौ मुस्लिमीन पर इलाज मुआलजे की मद में अब तक तकरीबन 7,71,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। किराया मकान बराए नौ मुस्लिमीन, कम आमदनी वाले हजरात के साथ कुछ अरसे के लिए जो उनको मुश्किलात पेश आती हैं घर से बेघर होने में उसकी मद में किराया मकान तावन किया जाता है और इस पे 11,39,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। खुसूसी माहाना कफालत, नौ मुस्लिमीन के अलावा यतीम बच्चे बेवाओं और गरीब घरानों की इमदाद की गई है इस मद में अब तक तकरीबन 85,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। राशन, मुस्तहक मुसलमान बहन भाइयों को माहाना राशन मुहैया किया जाता है। अब तक राशन की मद में तकरीबन 8,71,000 रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है। इस मद में 90 फैमिलीज ने इस्तफादा किया जबकि 25 फैमिलीज को मुस्तकिल माहाना राशन फराहम किया जा रहा है। हदिया और तहाइफ, नौ मुस्लिमीन की हौसला अफजाई और दिलजोई के लिए हदिया और तहाइफ दिए जाते हैं जबकि इस मद में 87,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। रमज़ान पैकेज, रमज़ान में नौ मुस्लिमों के लिए खसूसी राशन का इंतज़ाम किया जाता है। इस सिलसिले में अब तक तकरीबन 1,10,000 रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है। ईद गिफ्ट, ईद के मौके पर नौ मुस्लिमीन इनके अहले खाना और स्टाफ में तहाइफ तकसीम किए जाते हैं जबकि इस मद में तकरीबन 2,24,000 रुपये की रकम खर्च हो चुकी है। तालीफ़ कल्ब, तालीफ़ कल्ब की मद में अब तक 43,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। तकाबिल अदियान कोर्स, इस पूरे कोर्स पे आने वाली लागत तकरीबन 2,00,000 रुपये है जब